नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज 8 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे UPSC से आने वाली भर्तियों के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हजारों पदों पर भर्तियां इस नए साल में आनी है। कौन कौन सी भर्तियां आनी उसका पूरा ब्यौरा यहां पर दिया गया है। अब लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग काफ़ी सक्रिय है, पिछले कोरोना काल से ही काफ़ी सक्रियता दिखा रहा है और लगातार नए भर्तियों के विज्ञापन भी जारी हों, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता की भर्ती हो या फिर इंटर कॉलेज प्रवक्ता की भर्ती हो या और भी कई सारी भर्तियां अभी देखने को आपको मिली हैं। तो वही लिखा है यहां पर कि वर्ष 2021 युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर के आ जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस साल हजारों पदों की नई भर्तियाँ निकालेगा। इसके लिए विभागों से अध्याचन मंगाया गया है। अधिकतर ने अध्याचन भेज भी दिया है, जबकि कुछ से विभागों से ये आना भी बाकी है। अध्याचन मिलते ही भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन विभागों के लिए पिछले साल 2020 में आवेदन लिया जा चुका है, उनकी भर्ती परीक्षाएं 3 से 4 माह में पूरी होने के लक्ष्य तय किया गया है। अब कौन कौन से दोस्तों भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं जिन पर अध्याचन आ गया है या आने वाला है, तो यहां पर देखें युवाओं के लिए नई उम्मीद, इन पदों के लिए मिला अध्याचन। PCSJA के 95, RO/ARO के 123, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 300, रेडियो अधिकारी के 12, मुख्य सम्मान अधिकारी के 7 और यहां पर देखेंगे राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं के 650, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 257, राजकीय एलोपैथ मेडिकल कॉलेज आचार्य, इसके अलावा श्रम विभाग में भर्तियाँ हैं। ठीक है, बहुत सारी भर्तियाँ यहाँ पर दी गई। ये सारी भर्तियाँ दोस्तों आपको 2021 में ही देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप एक तनमंधन लगा करके तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से 2021 में लोक सेवा आयोग से जॉब जरूर पा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि भर्तियाँ जल्दी ही पूरी की जाएंगी। इसके लिए यहाँ पर पहले से लक्ष्य तय किए गए हैं। यहाँ पर देखें नीचे लिखा है कि वैसे पुरानी भर्तियाँ ज़्यादा नहीं बची हैं, सिर्फ कुछ पद ऐसे जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई है। ऐसी भर्तियों को मार्च अप्रैल तक निस्तारित किया जा सकता है, जबकि जिन विभागों से अध्याचन जा चुका है उसका विज्ञापन कुछ दिनों के अंतराल में निकाला जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं PCS को लेकर के। दोस्तों, PCS 2020 मेंस के जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसकी जो परीक्षाएँ 21 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच करवाई जाएंगी। जो भी अभ्यर्थी मेंस के लिए एलिजिबल जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से जाकर के इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं NIOS DLED को लेकर के। दोस्तों, कल ही मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि NIOS से जो DLED होता है वो शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया गया। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में इसकी अपडेट भी आई हुई है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने वाले 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस कोर्स को भी मान्य कर दिया गया है, बशर्ते कि केंद्र एवं राज्य की TET परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो जो अभ्यर्थी TET परीक्षा उत्तीर्ण है वो शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। शिक्षक भर्तियों में भी NIOS से DLED अभ्यर्थियों को मान्य किया जाएगा और साथ में TET में भी मान्य किया जाएगा, तो कोई दिक्कत इन अभ्यर्थियों को अब नहीं आएगी। बात कर लेते हैं JEE एडवांस परीक्षा को लेकर के। दोस्तों, कल JEE एडवांस परीक्षा की जो तारीख है वो जारी कर दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं इस साल 3 जुलाई को होगी JEE एडवांस। IIT सहित देश के चुनिंदा शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली अंतिम परीक्षा JEE एडवांस की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। इस साल ये परीक्षा 3 जुलाई को होगी। छात्रों को एक बड़ी राहत देते हुए IIT में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% की जो बाध्यता थी उसको भी खत्म कर दिया गया। कोई भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है, बशर्ते उसने 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हो। परसेंटेज का कोई भी यहाँ पर अब बाध्यता नहीं रही है। UPTT प्रमाण पत्र वितरण को लेकर के अपडेट आई हुई है कि UPTT का प्रमाण पत्र 11 जनवरी से मिलेगा। प्रदेश के सभी DAT प्राचार्यों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के प्रमाण पत्र PNP कार्यालय की तरफ से भेज दिए गए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं DAT प्रयागराज के प्राचार्य को UPTT का प्रमाण पत्र मिलने के बाद उनकी ओर से वितरण का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो सभी जिलों में यहाँ पर बताया गया है कि TET के प्रमाण पत्र हैं वो भेज दिए गए हैं। अब अलग अलग जो DAT हैं अपने हिसाब से इसका वितरण करेंगे, लेकिन प्रयागराज DAT की तरफ से इसके वितरण की तारीख जारी कर दी गई है। लिखा है UPTT 2019 के प्रमाण पत्रों का वितरण 11 जनवरी से शुरू होगा। प्रमाण पत्रों का वितरण अनुक्रमांक के अनुसार किया जाएगा, रोल नंबर के आधार पर किया जाएगा।
पहले चरण में 11 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक प्राथमिक स्तर के बांटे जाएंगे और दूसरे चरण में 12 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच उच्च प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को अपने तय प्रारूप के अनुसार ही जाना है, जिस दिन आपका रोल नंबर अलॉट हो उसी हिसाब से, और यहाँ पर जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ पर जाना होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो यहाँ पर अपडेट है टीटी को लेकर के, टीईटी 2020 को लेकर के लिखा, टीईटी 7 मार्च तक कराने को किया ट्वीट, शिक्षक पात्रता परीक्षा 7 मार्च को कराने और पंचायत चुनाव के बाद नए शिक्षक भर्ती निकालने की मांग प्रशिक्षकों ने तेज कर दी है। आल बीटीसी वेलफेयर एजुकेशन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह व डीलेड बीटीसी बीएड के हजारों प्रशिक्षकों ने सरकार को ट्वीट किया और कहा कि 7 मार्च को टीटी कराने का जो प्रस्ताव भेजा उसको अप्रूव करें और पंचायत चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती जारी की जाए। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर की अपडेट, 2 विषयों में फेल विद्यार्थी भी दे सकेंगे बैक पेपर, सेमेस्टर परीक्षाएं 15 मार्च से, वार्षिक परीक्षाएं 15 अप्रैल से, मुख्य परीक्षा के साथ किसी भी विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्र 2 विषयों से फेल हैं वो भी अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बैक पेपर में बैठ पाएंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है UP SSC से, UP SSC ने प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम तय कर दिया, जिसको आप लोग PET बोलते हैं, PET में क्या क्या आएगा उसका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया। आप लोग जानते हैं लगभग 50,000 पदों पर इसके अंतर्गत भर्तियाँ हो रही हैं, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे इंटर कॉलेज क्लर्क की भर्ती हो, बहुत सारी और भी भर्तियाँ हैं, सभी भर्ती परीक्षाएँ PET के माध्यम से करवाई जाएंगी। तो UP SSC ने यहाँ पर बताया है कि जो PET होगा वो इंटर स्तर की होगी, 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 100 बहुविकल्पी प्रश्न हल करने होंगे। अब इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि देखिए, यहाँ से देखिए, इस परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक चौथाई अंक काट लिए जाएंगे। PET परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर की होगी, इसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामान्य हिंदी, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, प्रारंभिक गणित, तार्किक योग्यता, आंकड़े और ग्राफ के विश्लेषण पर आधारित प्रश्न पूछने की योजना है, हालांकि पाठ्यक्रम पर अंतिम फैसला शासन करेगा। तो UP SSC ने इसका पूरा कार्यक्रम बना करके शासन को भेज दिया है, अब सिर्फ शासन के अप्रूवल का इंतजार है और जैसे ही शासन से अप्रूव हो जाएगा ये UP SSC के जो पाठ्यक्रम है वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी शासन के अप्रूवल का इंतजार है। यहाँ पर देखिए क्या कहा है UP SSC के चेयरमैन ने, उन्होंने कहा पेट के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया, इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है, शासन की अनुमति मिलने के बाद इसे अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अगर आप अभी UP SSC की वेबसाइट पर खोजेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी शासन से इसका अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन अप्रूवल मिलने के पूरे पूरे यहाँ पर चांसेज हैं। UP SSC की बात कर लेते हैं तो 115 जूनियर असिस्टेंट की जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया, फाइनल रिजल्ट है, इसमें 115 युवाओं को नौकरी दी गई है। इसकी डिटेल्स आप आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं, PDF वहाँ पर अवेलेबल करा दी गई है। रेलवे भर्ती को बात कर लेते हैं तो लिखा RRB अब हर रोज 2 पालियों में करेगा NTPC के दूसरे चरण की परीक्षा, परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया, 16 जनवरी से शुरू होगा दूसरा चरण, 10 शहरों में 2,00,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। RRB फेज 2 का अगर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड करना आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें governmentjobcenter.com, वहाँ पर इसका जो अवेलेबल है PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में एग्जाम सर्टिफिकेट भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है विधानसभा सचिवालय भर्ती को लेकर के, विधानसभा सचिवालय की भर्ती की जो डेट थी 7 जनवरी थी लेकिन इसको बढ़ा करके अब 12 जनवरी कर दिया गया है। इसका भी फॉर्म हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा उसकी डेट जारी कर दी गई, 24 जनवरी को इसकी प्रारंभिक परीक्षा है, इस दिन प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाएगी। PCS मेंस के लिए मैंने बता दिया कि इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, आप लोग इसका हमारे साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं TGT कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर के, तो लिखा TGT विद्यालय आवंटन के लिए काउंसलिंग 12 को। दोस्तों यहां पर बात हो रही है TGT भर्ती 2011 की, TGT भर्ती 2011 में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कॉलेज अलॉटमेंट किसी कारण से अभी तक नहीं हो पाया है, हुआ भी है तो उनको ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई है, कोर्ट के आदेशानुसार इनका दोबारा से जो है काउंसलिंग करवाई जा रही है और एक कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 26 है जिनका कॉलेज अलॉटमेंट होना है, तो 12 जनवरी को इनको सभी डॉक्यूमेंट्स के सहित
जो है वो निदेशक माध्यमिक ने बुलाया है, और जो भी अभ्यर्थी से संबंधित हैं अपना 12 जनवरी को अपने डॉक्यूमेंट सहित कार्यालय जरूर पहुंचे। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।